पुराने मीटर वाले उपभोक्ताओं को मीटर रीडर के द्वारा बिल निकालने पर सतर्क रहना चाहिए ताकि मीटर रीडर से कोई गलती ना हो सके। वैसे स्मार्ट मीटर लगे उपभोक्ताओं को गलत मीटर रीडिंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके संबंध में बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने बताया कि जनपद में काफ़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। इसमें शिकायतें भी कम होती हैं और जो पुराने मीटर हैं उसमें अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो उस मीटर को हम चेंज कर देते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से उपभोक्ता रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण रेगुलर पेमेंट ना करने से उनको ये जानकारी नहीं होने पाती है कि उनका भी बिल कितना आ रहा है। उन्होंने बताया कि अगर मीटर रीडर बिल निकालता है तो उपभोक्ता को देखना चाहिए कि कितने यूनिट का बिल निकाल रहा है, मीटर में उतना यूनिट है कि नहीं है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग इस मामले में जागरूक रहें क्योंकि उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, मीटर चल नहीं रहा है, जैसे या मीटर न चलने का क्या क्या कारण है, मीटर नो डिस्प्ले हो गया है या सर्विस केबल कट गई है, तो उपभोक्ता फिर अपनी कंप्लेन में वो चीज़ को दर्शाए। तो मीटर न चलने का, जैसे आप काफ़ी स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं तो उसमें शिकायतें काफ़ी कम होती हैं, और जो पुराने मीटर्स हैं उनको उसमें अगर इस तरीके की शिकायत नो डिस्प्ले की होती तो मीटर हम लोग चेंज करते हैं, और जो नया मीटर की रीडिंग होती है उस आधार पर लोग बिल रिवाइज करते हैं। बहुत से उपभोक्ता सर घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं, उपभोक्ता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि जैसे ये देखने में आया कि बहुत से उपभोक्ता रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं, तो रेगुलर पेमेंट ना करने की वजह से उनको ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि उनका हर महीने का बिल कितना आता है। अब साल भर में अगर कोई एक बार या दो बार अपना बिल जमा करेगा तो उसको वैसे ही आइडिया नहीं लग पाएगा कि उसकी मंथ की खपत क्या है, और मीटर रीडर जो है कुछ भी बिल अपना निकाल के चला जाएगा। तो जो मीटर रीडर बिल निकाल के दे रहा है तो उपभोक्ता को कम से कम इतना जागरूक होना चाहिए कि वो देखे कि कितना यूनिट का बिल वो निकाल रहा है और मीटर में उतना यूनिट है कि नहीं है, तो थोड़ा जागरूक हो। बाकी हम लोग हेल्प के लिए हैं और सही बिल लेकर करना या बिल सही करना फिर बाद में, तो हम लोग की जिम्मेदारी है।